बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्दी हमें संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में रानी पद्मावती के किरदार में दिखाई देंगी। आजकल दीपिका के पास इस फिल्म के अलावा और कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है और इसी के चलते वो घर पर भी काफी समय बिता रही हैं। लेकिन एक दिन जब वो बैंगलोर में घूम रही थी तो उनकी नज़र एक रेस्टोरेंट पर गई और वो उस रेस्टोरेंट का नाम देखकर काफी हंसने लगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उस रेस्टोरेंट का नाम थंगावाली था। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो दीपिका की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक डायलॉग था, थंगावाली कितना वाला दे, जो काफी फेमस हुआ था। बता दें, इस रेस्टोरेंट का नाम इस फिल्म से इंस्पायर होकर ही रखा गया है। दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं एक दिन घर की ओर जा रही थी और अचानक थंगावली नामक इस रेस्टोरेंट पर मेरी नज़र पड़ी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मैं मुस्कुराना नहीं रोक पाई। मुझे दक्षिण भारतीय भोजन पसंद है और मैं इस होटल को आजमाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।